हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था, एक चर वाले द्विघात समीकरण हिंदी में। इंग्लिश में तो ऑलरेडी बन चुका है ये, और एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो भी वीडियो हो वो मिस ना हो। साथ ही साथ जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 परीक्षण करके देखें। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, और उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। उनके वर्गों का योग 117 है, अंतर मतलब कि घटाओ, दोनों को अगर घटाते हैं धनात्मक संख्याओं को तो 3 आता है, और उनके वर्ग का योग कर देते हैं, मतलब वर्ग करने के बाद उनको जोड़ देते हैं तो 117 आता है। यहाँ से हमें दो समीकरण मिल रहा है, इन दोनों समीकरणों को समाधान करना है तो, और हमें पता लगाना है कि वो संख्याएं क्या है। तो चलो इसे मैं बनाती हूँ। अब समीकरण में हमें क्या है, दो धनात्मक संख्या है, तो एक को तो एक्स मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, दूसरे को वाई हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है उसी में कहा गया है कि एक चर वाला द्विघात समीकरण, जो चर होना चाहिए, जो कि क्या कह सकते हैं, अज्ञात संख्या, अज्ञात राशि या चर है, वो हमें क्या लेना है, ऐसा लेना है जिसमें एक ही हो। मतलब या तो x लेंगे तो x ही लेना होगा, वाई लेंगे तो वाई लेना होगा। हम दो चर नहीं ले सकते हैं, जैसे एक्स और वाई नहीं ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर एक्स है। छोटी संख्या को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या हम x प्लस 3 ले सकते हैं। कैसे? देखो, दो दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। तो अगर एक संख्या x है मान लेते हैं, दूसरा संख्या y है, तो दोनों का अंतर 3 है। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस वाई। इसका मतलब जो पहला संख्या अगर हमने x ले लिया तो दूसरा संख्या हम x प्लस 3 भी ले सकते हैं, यानी कि x प्लस 3 या y प्लस 3। मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया जानबूझ करके कि अंतर समझ में आए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हम x प्लस 3 ले सकते हैं। दूसरी भाषा में आपको समझाऊं कि बड़ी में से छोटी को माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा संख्या क्या है, x प्लस 3 है, और छोटा संख्या हमने क्या लिया है, x ले लिया, तो दोनों को घटाने पे 3 आना चाहिए। देखो आ ही जाएगा, x प्लस 3 माइनस x, एक्स एक्स कट गया, 3 आ गया ना। इसका मतलब हमने सही लिया है, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि दो संख्याओं का अंतर कुछ है, तो छोटी संख्या अगर जो मानते हैं बड़ी संख्या, उसी संख्या में से उतने को ऐड कर देना होता है, जोड़ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटी संख्या एक्स लिया है, तो बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस 3, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने छोटी संख्या x ले ली, बड़ी संख्या x प्लस 3 ले ली, क्योंकि हमें जो कंडीशन दिया गया था, दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, इसकी वजह से हमने ये ले लिया। उसके बाद लिखा हुआ है उनके वर्गों का योग, उनके उनके वर्गों का योग इज इक्वल टू 117 है, ठीक है। ये एक रफ था, ठीक है। उनके वर्गों का योग 117 है, तो पहला संख्या हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, वर्ग, इसका वर्ग कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता है, योग का मतलब जोड़, और एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो चलो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 3 6, ठीक है, 2ab यानी कि 6x हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस 117 को मैं इधर लेकर आती हूँ तो बराबर 0 हो जाता है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x, 117 माइनस 9 कर देंगे तो हो गया 108 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। आप लोगों को पता होगा कि मिडिल टर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो दो कॉमन जा रहा है, तो इस दो को कॉमन निकाल के उसको जीरो से अगर भाग लगा देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो दो को मैं हटा ही दूँ, दो से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको करेंगे तो 2 3 6 3x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। अब हम इसका मिडिल टर्म फैक्टर ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, हमें 54 चाहिए, तो किसके पहाड़ा में या फिर किसकी कौन कौन सा फैक्टर होता है 54 का,
वो 9 के पहरा में आता है और 6 के पहरा में आता है, ठीक है, 6 9 54। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 9 में से अगर 6 को माइनस करती हूँ, 9 में से 6 को, तो 3 भी आ जाता है। माइनस करके हमें क्या लाना है, 3, गुना करके लाना है 54। तो माइनस अगर 6 में से 9 में से 6 को माइनस करती हूँ तो 3 भी आ जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 54x² भी आ जाता है, ठीक है। सॉरी, 54 लिखना मैं भूल गई, -54 = 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 9, यहाँ पे माइनस, ये x कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन चला जाएगा, तो x प्लस 9, क्योंकि माइनस निकाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, = 0। अब मैं इधर को आती हूँ, तो आपका ये दोनों कॉमन है, तो x प्लस 9 हम लिख सकते हैं इंटू x -6 = 0। इधर और कर लो तो x का मान -9 आएगा और एक जगह x का मान 6 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या धनात्मक संख्या लेना था, क्योंकि हमने पहले माना था कि क्वेश्चन में क्या था कि दो धनात्मक संख्या है, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमारा जो मान होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू -9 लेंगे, क्योंकि क्योंकि x एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो x का मान हम सिर्फ 6 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी, छोटी संख्या बराबर 6, और बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या हमने x प्लस 3 लिया था ना, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यही आपका दोनों आंसर हो गया, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या 9, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा संख्या हम देखते हैं, एक त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, ठीक है, ऊंचाई की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है, सॉरी, किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 360 वर्ग मीटर होने पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ये जो जो भी कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इसी को लेकर हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करती हूँ, किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी की अपेक्षा 18 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ सब कुछ डिपेंड ऊंचाई पे है, ठीक है। त्रिभुज का आधार की लंबाई ऊंचाई की दुगुनी की अपेक्षा 18 अधिक, तो ऊंचाई को अगर हम x मान लेते हैं, कि माना माना त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई बराबर x मीटर है, यहाँ पे ओम लग रहा है ये ऊंचाई, तो इसको मैं ऊंचाई पूरा लिख दूं, ऊंचाई ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी के 18 अधिक है, तो उसकी आधार की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि आधार जो है, आधार बराबर क्या है, ऊंचाई की दुगुना, मतलब ऊंचाई x है तो उसका 2 गुना 2x हो गया, उससे 18 अधिक है, जोर 18, ठीक है। तो आधार भी हमें मिल गया, अब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 360 वर्ग मीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है, बराबर 360। आधार कितना है हमारा, आधार है 2x + 18, ऊंचाई कितना है x है, बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 × 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x + 9 × x = 360, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² + 9x, इस 360 को इधर लेकर आएंगे। अब ये फिर से एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया, अब इस मिडिल टर्म फैक्टर को हमें सॉल्व करना है, हमें गुना करके 360 चाहिए और घटा के हमें 9 चाहिए, तो 24 में 15 से अगर गुना करते हैं तो वो आ जाता है, तो x² + 24x -15x करेंगे, तो इसको गुना करने पे 360 भी आता है और घटाने पे 9 भी आता है, बस अब हमारा काम बन गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 24, और यहाँ से -15 कॉमन लेंगे तो x + 24, ठीक है, = 0। अब यहाँ से x + 24 को कॉमन निकाल लिया हमने, बचा क्या हमारे पास, x - 15 को एक साथ ले लो, = 0। अब यहाँ से x = -24 और x = 15, ठीक है। अब किसी एक वैल्यू को मान के चलेंगे, जबकि ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई को हमने x माना था, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हमें धनात्मक मान ले लेंगे कि ऊंचाई बराबर
ऊंचाई बराबर 15 मीटर, ठीक है, और हमें आधार भी पूछ रहा था, है ना, नहीं सिर्फ ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई ज्ञात करो, तो ऊंचाई बराबर 15 मीटर, बस यही हो गया आपका आंसर। तो चलो अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक पूर्ण संख्या का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो संख्या बताएं। धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग से 2 के 2 गुने से 3 कम है, इसी को लेकर हमें एक एक करके पढ़ना है और इसे हमें बनाना है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में मे बी ये आया हुआ है, ठीक है। तो एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो हमें क्या करना होगा, धनात्मक पूर्ण संख्या मान लेना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्ण संख्या बराबर x है, ठीक है। धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है, x है, और प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो गया, इसका 5 गुना 5x, उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। अब इसी के वर्ग का मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग का 2 गुना से 3 कम, ठीक है, उसी को तोड़ तोड़ के अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली बन जाता है। बस इसे क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। इसे मैं घुमा के लिखती हूँ क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म मुझे इधर चाहिए, तो मैं इसे पलट देती हूँ, 2x² - 3 = 5x कर देती हूँ, ठीक है। अब इस 5x को इधर ले आएंगे तो 2x² - साइन चेंज हो जाएगा, -3 = 0, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है मिडिल्टन फैक्टर की तरह। तो हमें मिडिल्टन फैक्टर 3 × 3 × 6 चाहिए, माइनस करके हमें 5 लाना है, गुना करके 6 चाहिए, ठीक है। तो 2x² क्या करेंगे, हम 6 में से 1 घटा देंगे, तो -6x में से अगर x को घटा देते हैं तो 5x भी आ जाता है, और मल्टीप्लाई करके 6 भी आ जा रहा है, ठीक है, -3 = 0। 6 कैसे हुआ, 3 × 2 = 6, ठीक है, इसको मैं लेकर चल रही हूँ, और यहाँ पे घटाने के बाद 5 भी आता है, 6 में से x गया -5x, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, ठीक है, तो 2 और x दोनों निकल गया, तो x बचा, -2 × 3 = 6 बचा, x तो निकल चुका है, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आता है, x - 3 = 0, ठीक है। अब x - 3 एक तरफ कर लेते हैं, और ये 2x + 1 को एक साथ कर लेते हैं, = 0, ठीक है। अब इधर और कर लिख सकते हैं आप, नहीं लिखो तो भी चलेगा, चलो लिख लेते हैं इधर और, ठीक है, इधर और में x - 3 = 0 हो गया, और यहाँ पे 2x + 1 = 0 हो गया, यहाँ पे x का मान 3 और यहाँ पे 2x = 1, तो x = 1/2, ठीक है। अब धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो धनात्मक पूर्ण संख्या जो है वो आधा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x का मान यहाँ पे आधा आ रहा है, तो हाफ नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। धनात्मक अखंड संख्या हमें 3 को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो वो संख्या बताएं, तो लिखेंगे कि संख्या बराबर 3 आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथे पे, आप देख सकते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मोटर गाड़ी को जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम का समय लगता है, तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मोटर गाड़ी का वेग कितना है ज्ञात करें, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दो स्थानों के बीच की दूरी दिया हुआ है, मैं एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ के आपको लिख कर बताऊंगी, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो चलो इसे डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। अब दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दिया हुआ है, मान लो ये दो स्थान है, इसकी बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर एक मोटर गाड़ी को जाने में जितना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे समय का एक वो दे दिया गया है, मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है, तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी को अगर हम x मान लेते हैं, तो जीप गाड़ी कितना हो जाता है, वेग इसका अगर हम x मान लेते हैं, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, x + 5 जीप गाड़ी का। बस इसके बाद आगे को हम बढ़ते जाएंगे, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि माना
माना मोटर गाड़ी का वेग वेग बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जीप गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा, इसलिए जीप गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं पूरा ही लिख दूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जीप गाड़ी का वेग कितना हो गया, एक्स प्लस 5। अब आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी को 2 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर दोनों ही चल रहे हैं, 200 किलोमीटर। तो सबका हमें जो समय मिलेगा वो समय इसके अकॉर्डिंग, वेग के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 200 किलो मोटर गाड़ी को 200 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा वेग। दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है, वेग कितना है, एक्स, मोटर गाड़ी का वेग है एक्स, तो ये कितना आ गया, इतना घंटा का समय लगा था मोटर गाड़ी को जाने में। ठीक है, उसी तरह से हम जीप गाड़ी का निकालेंगे, जीप गाड़ी को 200 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, जीप गाड़ी दूरी उतना ही है 200 किलोमीटर और इसका जो वेग है वो कितना है, एक्स प्लस 5, तो दूरी बटा वेग ये मिल गया हमें, इतना घंटा का समय लगा जीप गाड़ी को जाने में। ठीक है, तो दोनों का हमने यहाँ पे समय भी निकाल लिया। अब आगे के क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मोटर गाड़ी को जितना समय लगता है, जीप गाड़ी को उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम लगता है। मतलब कि जीप गाड़ी को 2 घंटा का समय कम लगता है, मतलब इसको कम लगता है, इसको ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तो हमें 2 घंटा मिलेगा। कहने का क्या मतलब, इसको 2 घंटा कम का समय लगता है, इसको 2 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो हमें 2 घंटा का अंतर मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर 2 घंटे का है, तो बस प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, दोनों का अंतर लिख देना है कि पहले का जो समय है मोटर गाड़ी का वो इतना है, माइनस दूसरे का समय, जीप गाड़ी का जो समय है जाने में लगा समय, वो एक्स प्लस 200 बटा x+5 है, और दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है, बराबर 2। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, x x+5 = 2, एक्स एक्स कट गया, 200 में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 × x + 200 × 5, 5 × 10 और साथ में 2 0, ठीक है, 1000 घटाओ, x+5 x+5 कट गया, 200 × x, ठीक है, अब ये 200 × x माइनस 200 × दोनों ही कट जाएगा, 1000 बटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 5x = 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, या फिर इसको देखो नीचे एक छुपा हुआ, ऊपर ऊपर कट जाता है तो उसको काट देते हैं छोटा करने के लिए, 500 हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो बट्टा x² + 5x = 1। अब यहाँ पे 1 हो गया, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड में करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5x = 500। अब यहाँ पे x² + 5x - 500 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें गुना करके 500 चाहिए और घटा के 5 चाहिए, तो किस में किससे गुना करें, हमें पता है वो, आप कैलकुलेशन कर लेना, 25 को अगर 20 से गुना करते हैं ना, तो 25 को अगर 20 से गुना करते हैं तो आ जाता है 500 और घटाते हैं तो आता है 5। ठीक है, तो बस हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, 25 - 20 5 और 25 × 500 - 10। ठीक है, अब यहाँ से x से कॉमन आएगा, x + 25, यहाँ से -20 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी निकल गया तो x + 25, अब ये दोनों एक साथ कॉमन है तो इसको निकालेंगे, x + 25 और ये हो गया x - 20 = 0। अब आइदर और कर लो तो x का मान हो गया -25 और यहाँ x - 20 = 0, दैट इज x का मान हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, तो x का मान 20 माइनस को लेकर नहीं चला जाता है, क्योंकि जो हमने वेग माना है वो माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो x का मान हम 20 लेकर चलेंगे, तो मोटर गाड़ी का वेग कितना हो गया, हमने x किसको माना था, मोटर गाड़ी का वेग, तो मोटर गाड़ी का वेग बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे अगर किसी और का पूछ रहा हो तो उसका भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ, तो
मोटर गाड़ी का वेग, अगर जीप गाड़ी का भी वेग निकालना हो तो आप इजली निकाल सकते हैं, x प्लस 5 लिख हो जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जीप गाड़ी का वेग, जीप गाड़ी का वेग 20 प्लस 5 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरीके से हमने इन दोनों का वेग निकाल लिया, और यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो एक से दो बार आप देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हो सके अगर अच्छा लगे मेरा ये कैलकुलेशन और मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, वी विल मीट सून।